समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर चरितार्थ होती हैं। देश की माटी से लगाव, राष्ट्र प्रेम एवं दीन जनों की सेवा भाव से सराबोर उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व जन जन के हृदय में आज भी विद्यमान है। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक छोटे से गांव चंद्रभान में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बड़ा होकर ये बच्चा देश का ऐसा सितारा बनेगा जिसकी अंत्योदय का दर्शन करोड़ों गरीबों के जीवन को रोशन करेगा। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना अध्ययन बड़ी कठिनाइयों से पूर्ण किया। उन्होंने अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई राजस्थान से की, जबकि 1936 में स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से उत्तीर्ण की और फिर प्रांतीय सेवा परीक्षा पास कर वो सरकारी सेवा में भी आ गए। लेकिन आम लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा ने उनको नौकरी छोड़ने पर विवश कर दिया। पंडित दीनदयाल छात्र जीवन में ही संघ में शामिल हो गए थे। संघ से आचार विचार व्यवहार एवं राष्ट्र जागरण की भावना ने उन्हें बड़ा प्रभावित किया, जिसके कारण वो तन मन और धन पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित हो गए। देश एवं समाज के अंतिम पायदान पर बैठी जनता के कल्याण के लिए कुछ कर गुजरने हेतु उन्होंने विवाह तक नहीं किया और अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। पंडित जी घर गृहस्थी की तुलना में देश की सेवा को ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। पंडित जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का काफी लंबे समय तक संपादन कार्य भी किया, जिसमें लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रधर्म व दिल्ली से प्रकाशित पांचजन्य पत्र प्रमुख हैं। पंडित जी ने बहुत कम समय में ही सम्राट चंद्रगुप्त जैसे चरित्र पर पुस्तक लिखकर भारतीय इतिहास के एक सांस्कृतिक निष्ठा वाले राज्य का चित्रण भी किया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो उसे राजनीतिक पटल पर मजबूत बनाने में पंडित जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी देश को दिशा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पंडित जी के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। पंडित दीनदयाल के विचारों का ही प्रभाव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की, जो आज ग्रामीण भारत की एक नई क्रांति बन चुकी है। समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति का कल्याण ही सही मायने में आजादी का एहसास है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों और दर्शन में निहित रहा है। उनके विचार आज भी राष्ट्र में जन कल्याण के प्रतिमान हैं।